जी हाँ, इस रिपोर्ट में हम आपको बताना चाहेंगे कि बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल ने किस तरह से लगातार अपने बेटों के बारे में खुलकर बातें कही, और वो बातें उन्होंने यूं ही नहीं कही थी। वो बातें जो उन्होंने कही थी शायद आप भी सुनना ज़रूर चाहेंगे। बॉबी देओल ने अपने बेटे आर्यमन ही नहीं, छोटे बेटे धर्म जो कि 18 साल के हो गए हैं, उनके बारे में भी खुलकर बात कही और ये कह दिया कि वो लायक ही नहीं फिलहाल की फिल्म इंडस्ट्री में आ सके। दरअसल बॉबी का कहना है कि वो अपने बेटे को साफ कह चुके हैं कि अगर उन्हें फिल्मों में आना है तो पहले वो हिंदी सीखे, पहले वो बात करना तो सीखे, फिर तो वो एक्टिंग करेंगे। एक्टिंग करने के लिए सही ढंग से हिंदी बोलने की ज़रूरत है इंडिया में, जो उनके बेटे को आती नहीं। अपने बेटे को ट्रेन करना चाहते हैं बॉबी देओल खुद से, क्योंकि उन्हें लगता है उनके बेटे को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखना चाहते हैं आर्यमन की तरह धर्म देओल भी, लेकिन सबको पता है कि गदर 2 की सक्सेस पार्टी में आर्यमन ने लोगों के अटेंशन तो जीते, लेकिन छोटे बेटे धर्म की बात की जाए 3-4 साल बाद धर्म भी बॉबी देओल के बड़े बेटे आर्यमन के साथ फिल्मी पर्दे पर कदम रखना चाहेंगे। लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उन्हें, ये लगता है बॉबी को, क्योंकि उनकी एक्टिंग डेब्यूट को लेकर पूरी तरह से गारंटी दे रहे हैं बॉबी देओल को कि उनके बेटे को हिंदी ही नहीं बोलने आती है तो वो इस लायक ही नहीं है फिलहाल कि फिल्मी पर्दे पर आने के बारे में सोच सके, क्योंकि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। बॉबी ने कहा, देयर इज नो बिजनेस लाइक शो बिजनेस, और इंडस्ट्री में मेरे बच्चे ज़रूर आएंगे। अभी वो बहुत छोटे हैं, एक तो 22 के हैं तो एक 19 साल के हैं होने जा रहे हैं, टाइम काफ़ी है। इसी तरह से आपको बता दें कि जिस तरह उनके भतीजे करण के बॉलीवुड डेब्यू को फेल होते हुए उन्होंने देखा है, इससे उन्हें लगता है कि उनके बेटों को और मेहनत करनी पड़ेगी। वरना देओल परिवार में जिस तरह हीमैन ने अपनी पहचान बनाई, सनी बॉबी ने अपनी पहचान बनाई, उनके बेटों को अपने दादू और फिर अपने पिता और चाचू की तरह बनने में काफ़ी लंबा वक्त लग सकता है।